सो आप बरगाड़ी विखे ही है जी इस वेले मोर्चा फिर अज लगा होया हाईवे जाम हैगा तुसीं देख सकते हो मेरे नाल दिलबाग सिंह जी है दिलबाग सिंह जी की कहना चाहते हो बेअदबियां दा इंसाफ नहीं मिलता दो सिंह शहीद हो गए सके सत्त वरे हो चुके आ कोई इंसाफ नहीं अज फिर मोर्चा लग गया की कहना चाहते हो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह भाई साहब मैं अगे भी स्टेज पर यह गल कही है भी जे सिख सिख नू ना मारे सिख कौम कदी ना रे जे अज चराया च बैठे हैं तो साडे अपने दियां करतूतां करके बैठे हैं सानू अपने मारिया किसी की भाई साहब कोई हस्ती नहीं साडी कौम वाल जां साडे ग्रंथ पंथां वाल वेख सके कोई किसी की इन्नी जरूरत नहीं हैगी जे साडी आप दियां कमजोरियां साडे आप दे वेखदे आ ते फिर असीं चराया चाहुंदे आ जे साडे ग्रंथ पंथ सारे टारगेट होए ते क्यों होए क्योंकि साडे लीडर बकाऊ निकले कि कौन विकेल किन्हां वल तुहाडा इशारा जांदा भाई साहब वेखो ये कोई शक वाली गल नहीं जे मान लो आपां बादल परिवार लाइए क्योंकि अपना सब तो जी पार्लीमेंट जी सुप्रीम कोर्ट है साड़ी कौम की तख्त साढ़े पांच तख्त आ ते तख्त तो जो हुक्म होना वह कौम साड़ी मनती रही है उस तख्त दे उत्तों वेखो भाई साहब एक गुरु साहब के गलत लफ्ज बोले जान ते बुकां छबन गुरु साहब ने किंतु किंतु किया जाए गुरु चोर ठग आखे जाए मेरी जबान सड़ जाए साहबजाद प्रति इन गलत शब्दावलियां उत्ते लिखिया हो चार पांच थां पढ़ के चेक होंगी आ श्रोमणी कमेटी की तो फिर उत्ते मोहर लगती है इहदा मतलब यही हो गया कि यह खुद इन्हां बंदियां ने आर एस एस के जो किए हुए काम उन्होंने मोहर लाइया उल्टी वाड़ खेत को खाई वाली गल हो बिल्कुल जी बिल्कुल ये वाड़ ही साड़ी जिहड़ी आ साड़ी खेत नूं वेखो भाई साहब सानू अज तक समझ ही नहीं लगी कि साडे नाल धरो कौमणा करन करड़िया ओहो ही नारा अज भी साडे भाई साहब मैं बोलन डिया भी अज भी नारा ओही बादल तेरी सोच ते पेरा देंगे ठोके कांग्रेस तेरी सोच ते पेरा देंगे ठोके केड़ी चीज ते पेरा दोगे तुसी पर अज मैं लगता लोगों ने नारा बदल दिता बादल तेरी सोच ते पेरा क्यों खुजे खुजे लाते खुजे लाते बड़े बड़े अन्ने भगत बड़े बड़े अन्ने भगत अज भी वेखे जे उन्होंने जथेबंदियों के आगू मैं ना नहीं ले सकता जेड़े मजीठिए की मंजी से जाके बैठे जेड़े तलबीर की मेरे इलाके मंजी से बैठे वो बंदियां दा मैं ना तुहानूं बेइज्जत कहां कौम च अगे ही दुविधा बड़ी है पर सिखां ने जां पंजाब दे लोकां ने तां खुंजे लाते वैसे इलैक्शन दे विच लाए आ आम नागरिक ने जेड़े पंथक आगू आ बहुत घट उन्हां इस चीज़ वल ख्याल दिता वा ये आम पब्लिक ने बदला चाया ये बदला करके काम होया जेड़े गल च गूठा दिता गया पब्लिक दे विच महंगाई करके जां होर गल्लां करके ये महंगाई करके कीता यह पंथक करके किसी ने नहीं जो किया भाई साहब ये पंथक के मसले को लेके नहीं किसी ने किया ये अपनिया ही स्वार्था करके किसी ने कोई हजार रुपये करके करता किसी ने कोई इस तरह पुलसना करके करता किसी ने कि सुविधा करके करता मतलब ये उन्हां मंगा करके आप दियां जिहड़ियां परसनल मंगा वा ना उन्हां करके गुरु प्रति किसी को कोई मतलब नहीं कोई हुण वेखो धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब वेखो अंग अंग सतगुरु के चराया के खिलारे गए आखो दो सिंह शहीद हो गए इतने किन्ना कुछ हो गया ते बादल फिर किन्नियां सीटां बाद फिर ले गया ही उदों ये जिहड़ी आ कौम है ना साडी पता नहीं साडे वेखो थां थां पग्गां लाईआं जांदियां साडे निशान साहब लाए जांदे हुण जिहड़ा ये बादल परिवार है वेखो भाई साहब ने छड्डिया की साडा पुरातन सरूप सतगुरु के जिहड़े लिखे हुए पुराने सरूप ही इन्हें पिंडां दे विच्चों चुक ले इस बादल परिवार ने क्योंकि ये हैगा ही इन्हां नाल भाजपा वाले ने भाजपा जिहड़ा मोदी है आर एस एस का प्रचार करिया तो बादल दियां भी तुसीं फोटो वेखियां होणियां वो जिहड़ा आर एस एस का मुखी उहदे पैरां दे विच ये जिहड़ा बादल जिहड़ा बैठा ते अजे भी अहीं अन्ने भगत हो के अहीं भी अज भी वह नारा जो ये जिहड़ा जिन्ना नुकसान किया साडे अपणियां ने किया बगानियां ने किया जिन्हों अं बुकल च ले छड्या उहो अस्सी का सप्प निकलिया उन्हें ही साडा नुकसान अज तक जिन्ना भी किया साडियां नसलां तबाह होईआं इन्हें कुछ किया भाई साहब किटा तड़प तड़प मावां दियां गोदां च बच्चे मरे आ कि भोरा नहीं आया साडे नसलां आउण वालियां टाइम दे विच भाई साहब खत्म होण वालियां क्योंकि जिहड़े बच्चे बाहर चल गए मेरे बच्चे की क्लास के 45 बच्चे सन प्लस टू के
तो मैं उन्होंने पूछा बेटा वो मेरा बच्चा कहता भी डैडी आप बाहर नहीं जाना, उन्हें पहले दिन कहा आप इतने एम बी बी एस का कोर्स करना, आप इतने इलाज मतलब जो गरीब बंदे उन्होंने इलाज फ्री आप छोटा मोटा हस्पताल खोल के मैं ये सेवा करनी चाहता। पर बादल परिवार ने 45 लाख रुपया फरीद यूनिवर्सिटी साढ़े लागे गुरु रामदास उत्थे पता किता 45 लाख रुपया ना पक्की फीस वड्डी रखी है, तो 55 लाख रुपया उदा लगता भाई साहब, करोड़ रुपया लग गया, 4 किलो पैली आँदी ही बच्चे बाद मोदी ने नहीं गल कहती भी जे 4.5 साल लगन गए तो 1 करोड़ रुपया भी लगू, बाद मैं टेस्ट लूँगा अपनी कमेटी पा के जो चो तुम पास हो जाओगे ठीक, नहीं तो 1 करोड़ रुपया भी गया थोड़ा तो थोड़ी पढ़ाई भी सारी 4.5 साल गए। वो बच्चे का मनी बल टुट गया, 45 दे 45 बच्चे भाई साहब इतों एक क्लास के एक स्कूल के 45 बच्चे सारे दे सारे कनेडा। सानू आने वाले समय के मोढ़ा देने वाला नहीं जो भाई साहब लभना, इतनी कि कौम दवाइया पुणे कि कौम दल करते हैं, करोड़ा अरबा रुपया का बजट आ साडा श्रोमणी कमेटी का, की एम बी बी एस सीटा ही फ्री नहीं कर सकते, गुरसिख बच्चे करो यार वो कितने जान दी माया भाई साहब जान कितने जी कौम तक रुपया नहीं लगाओ। गुरु रामदास होश पिट लिया साडा उत्थे के गरीब का कोई महात्र चल जाता जा कोई शहीद परिवार ज कोई भी ला लो गुरसिख कभी किसी का फ्री इलाज सुने जो इलाज अपने आप चंगा करवा जाता अगला मरता जाता वा अक चुभता भी चलो उत्थे पहुंचिए तो लांबा किनू दिंदा। गुरु रामदास होस्पिटल आले चोर तुहाडा भला जे नहीं, गुरु साहब का नाँ तो वेल्डिंग लोगों की मतलब ये इन्हां बंदियां ने भाई साहब कोई कसर नहीं जो छड़ी 84 दे विच प्रातन स्वरूप बरगाड़ी दे विच कांड इन्हां करवाया, कोई इनक्वायरी होण दी कदी ये भी होया कि पुलिस की जी ड्यूटी लगी वह पता ही ना हो कि बंदे की ड्यूटी लगा है, मैं मजाक बनाया पाया साडा पुलिस तो कभी अणपछाती हो ही नहीं सकती, मतबल ही नहीं कोई बनता एक एक बंदे का पुलिस तो वक्री गल एक एक गोली का हिसाब होंदा भी किस बंदे को किनिया गोलियां पिस्टल दियां किहड़े बंदे को किनिया गोलियां किहड़े किहड़े बंदे को डंडा वा किहड़े बंदे को किहड़ी रफल आ, कमाल हो गई मैं ना एक एक चीज़ का रिकॉर्ड हों ना अणपछाते कह के तो पला झाड़ लिया भाई साहब। ये सब तो वड्डा जिहड़ा काम है ना साडी कौम का नुकसान जे बादल जे उन दूजिया ने किया ना कांग्रेस ने तो बादल परिवार भी घट नहीं किया, जे बच्चा साडिया धिया के गलों से टिर पाए जा बलात्कार सड़कों च पावा 100-100 बच्चे बंद ने किया तो वह भी ये कांग्रेस ने किया जिन्होंने अं वोटा पाते रहे 84 के अटैक कराया गुरु घर के उत्ते तो वह भी इन्ना कराया एक तो नहीं कराया 40 गुरुद्वारे जिन्हें करवाया, मान लो भी उत्थे तो संत पिंडराला जरनैल सिंह जी ही तो बाकी 40 गुरुद्वारे से कौन बैठा है। जे आप हम बादलकिया की गल छड़ दें भी बादलकिया तो इलावा जोड़े होर जरा है ने पंथक अखवादिया ने जहाँ भी उन्होंने पंथक धिर कहने तो लगता भी सिख कौम उन्होंने पिछले लगती है, मैं वेख्या कई बार जो सरबत खालसा हों कौम मगर जाती है, बरगाड़ी मोर्चा लगता कौम जाती है, किसानी संघर्ष हों तो कौम अपने आप मगर जाती है, कौम तो जाती है भाई साहब जी कौम तो जाती है पर जोड़े बाकी पंथक आगू आ बादलकिया तो इलावा उन्होंने कितने खड़े देखते हो भाई साहब। वेखो आ वीर बैठा आ मेरा बरगाड़ी मोर्चा लगा घरों 6 झूले 2 झूले चुके उ आया 3 मझा 1 मझ बेच के उत्थे छड आया यार उत्थे वो आगू जेड़े कौम नूं पुछना ते आपे ही फैसले करके ते ओले जी खिसक के गया जाने यार वो बंदे कित्थे जाणगे ढट्ठे खूह च जाणगे जिन्ना जिहड़ी पूंजी हैगी वह भी वेच के तुहाडे मगर लाती, तुसीं ते खा के गए ना करोड़ां रुपया, तुसीं ते करोड़ां रुपया लेके गए जे किसानी हुण मोर्चा ही 8 रुपया किसान लेके गए, जे मैं कहना होणा भी हिसाब दो साहब हुंदा वा भी जे किसे ने 10 रुपये भी दिते ते कित्थों आए, जे 10 रुपये दे उत्ते किहड़े मोर्चे ते किहड़ी टली नूं दिते तुसीं, खालसा एड सारा उत्थे पैहा लाउंदा रहा गद्दे वंडदा रहा तुसीं कित्थे दित्ते किसानी मोर्चे च पैहा, ये जिहड़ा आपां भाई साहब आगू लाउणे आ ये माया तक सहमत रहिंदे आ, जिन्ना चिर माया आउंदी रही उन्ना चिर मोर्चा कहमिया, जदों माया ढिल्ली पै गई कम्म खत्म।
फिर की होवे हुण सिख की करन सिख जिदा हुण तुसीं जिक्र करके हटे हो भी सिख ते अपने घरों पूंजी लाउंदे उत्थे जाके अपने पिंडे भी सड़कां दे उपर इत्थे धुप्पां दे विच सेकदे आ हैना गोलियां भी खांदे आ दो सिंघ शहीद हो गए मोर्चां च भी जाके बहिंदे आ मैं ते सुनिया कई परिवारां दे विच ना जनानियां भी कहिंदियां भी तुसीं कित्थे नूं चले हो हैना भी जिन्हां दे मगर तुसीं चले हो अगले तां मुड़ के विक जांदे आ भी तुसीं बार बार फिर उन्हां दे सद्यां ते जांदे हो घरों भी बेचारे ना इदा उन्होंने झगड़ा झुगड़ा करके आते पर इतने आके भी जे की कारण सिख करे की फिर भाई साहब यही गल आ गल इन्हां दीआं सियासतां नहीं ये गुरु साहब प्यार प्रति आउंदे आ गुरु नाल प्यार करदे पंथ नाल प्यार करदे आ इह हुण अज कल वेखो कि पंथ कागू नूं हुण साडे दे परजे इह चीके नहीं ना चीके क्योंकि अहीं ये पहलों भी मोल हटा चुके अपने पिंडां ते परिवार शहीद कराए सानूं पता वा कौम सार नहीं लैंदी इह तां साडा आप दा जज्बा तुसीं किन्नी सेवा कर सकते अपने बाहां ते बलबूतियां ते करो किसू कहना लांबा देंदे हो जे कहे ते परचा हुंदा लै फलाना नहीं आया ढिंगड़ा नहीं किसी ने नहीं आना मगर जे सेवा तू भांड्यां दी करदा ते अपने प्रति करदा वा इह किसे नूं थोड़ा मतलब वी तू धुप्प च करन डिया छां च करन डिया ये करके लांबा किसे नूं नहीं साडा जिन्ना चिर संत पिंडराले जरनैल सिंह आगू उदां दा नहीं ना मिलदा कौम नूं जिहदा छित्तर कायम आ खाऊ यार तो बड़े मिलने आ जिन्ना चिर छित्तर कायम ना छित्तर ला के तो उन्हें उत्थे ही ढालिया करे ना मगर सिंह हुण चढ़दी करा दे ते फिर गल बननी है इहदे तां कई मेरे वर्गे स्टेजे ते बोलण वाले आ जांदे आ पंथक वाला नारे उच्ची उच्ची ला के जिहड़ी तुसीं हुण गल कीती ना भई छित्तर कायम हुण लफ़ज़ जिहड़ा हैगा कईआं हो सकदा तुहाडा भैड़ा लगे पर एक सिख पत्रकार हुण दे नाते इत्थे साडे भी दिलां दे विच दर्द हैगा पंजाब दी धरती ते रहिंदे आ इत्थे लाग्यों वेखदे आ भी की कुछ हुंदा हैगा हुण मैं इत्थे अपने कैमरे ते दिखाउणा नहीं चाहुंदा सीगा ना दिखाया ही हैगा इत्थे भी हुण मैं वेख्या गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी दे विच स्टेज दे उपर जे माइक दे विच जे उत्थे इदां हो जावे हालात जिहा बण जाण उत्थे भी मैनूं तुहाडी हाई गल चेते आउंदी वी जे हुण की कायम छित्तर लफ़्ज़ तुसीं बोलिया सीगा जे कायम होवे तां उत्थे कोई ना इक दूजे दी गल नूं कट्टे की कहदी भाई साहिब इत्थे कूजे हुण वेखो साडी सब तों वड्डी मैं अग्गे वी उत्थे बोल चुका सब तों वड्डी कमजोरी कि असीं किसे नूं बर्दाश्त ही नहीं करदे भाई साहिब असीं नहीं किसे नूं बर्दाश्त करदे किसे नूं बंदे नूं नहीं बर्दाश्त वेखो उह बंदे मैं वेखे नहीं जिहड़े सिद्धू आ गया यार की बंदा आ गया जे चार मीडिया वाले मगर आ गए फिर की आ गया उहदा नां यार बंदे दा जो झोके आया उह अगला बेचारा झोके आया वा ते जे चलो आ ही गया अगला मान लो ते आपां इहदा मतलब किधर आ गया तूं कौन आ गया इधर किधर हद कमाल हो गई वर्ल्डिंग कौम दी थोड़ा साडी गुरु गुरु दे चरणां दे विच बैठे आ वर्ल्डिंग एडी माड़ी साडी यार गल थोड़ा बणदी है इह असीं सब तो पहला दाई साडा काम ही आए नू देग ते चढ़ के आए नू तेग जिहड़ा झोके आउंदा सी ना साडे दुश्मन भी आउंदा सी ना ते तीन वार गुरु साहब ने कहा कोई गलती करदा ते दो वार उहनू माफ कर दो तीजी वार ना बख्शो ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦਾ ਪਛਤਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਧਰਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਰਾਏ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।